जैसे कि मेरे बेटे इससे प्रीवियस टॉपिक रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने ये बात कही थी कि हमारे पास जो तीन तरह की रेडिएशन हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों प्योरली न्यूक्लियर रेडिएशन हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन हैं, न्यूक्लियस से निकलती हैं। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं और एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो भी यही कहता है कि जो एटम का सेंट्रल पार्ट जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया। तो मेरे बच्चे, हम लोगों ने आज यही चीज सीखनी है। मैं इसका जवाब ऐसे पहले ही दे देता हूं, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन क्रिएट। कि न्यूक्लियस में ऐसा क्या चेंज आता है कि उसे क्या पैदा हो जाता है? इलेक्ट्रॉन अमिट नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है? पैदा हो रहा है। तो जरा इसको देखिएगा जरा ध्यान से। ये टॉपिक हमारा कहलाएगा न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन के न्यूक्लियस में ऐसा क्या चेंज आता है कि आपके पास मेरी जान अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन। अल्फा और बीटा को हम पार्टिकल्स कह देते हैं और गामा का क्या नाम देते हैं? रेडिएशन का। सो मेरे बेटे जरा ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन, सबसे पहले एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, इसका मतलब यह बनता है कि व्हाट हैपेंस कि अल्फा पार्टिकल बन जाए, व्हाट हैपेंस कि वो क्या बन जाता है? बीटा। और ऐसा क्या होता है न्यूक्लियस में, क्या बनती है? गामा रेडिएशन। यही क्वेश्चन है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले आप लोगों को यह चीज क्लियर कर दूं कि मैं अगर अल्फा पार्टिकल की बात करूं, मेरे बच्चे अल्फा का मतलब हीलियम न्यूक्लियर का बनना, जैसे कि आपके पास यूरेनियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर 238 है और एटॉमिक नंबर उसका 92 है। ठीक हो गया मेरे भाई? अब होता ही हुए मेरे बच्चे कि इसके न्यूक्लियस में क्या चेंज आता है कि हमारे पास ये अल्फा देता है मतलब हीलियम HE2O, जब ये रेडिएशंस अमिट करता है अल्फा पार्टिकल देता है तो क्या बन जाता है? HE2O। इसका मतलब ये क्या है आपके पास? अल्फा। अब मेरे बेटे, अब जरी सी बात है, ये अनस्टेबल एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ और जिस एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ उसके एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस आ गया, 2 कम हो गया, तभी जाके क्या बना? हीलियम न्यूक्लियस। और एटॉमिक मास नंबर में कितना फर्क आया? 4 का। तो मेरे बेटे जो भी एलिमेंट बनेगा 238 में से 4 निकाल दो क्या बनेगा? 234। 92 में से 2 निकाल दें तो क्या बनेगा? 90। तो यहां पे थोरियम एक नया एलिमेंट बन जाता है। क्लियर होगी मेरे बच्चे? न्यूक्लियस में क्या चेंज आया? न्यूक्लियस में ये चेंज आया कि उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया और एटॉमिक मास नंबर भी चेंज हो गया। एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है और एटॉमिक मास नंबर भी चेंज हो गया, दोनों चेंज हो रहे मेरा बेटा। क्लियर होगी बच्चे ये बात? अब जरा मेरी जान आगे सुनिएगा, मजीद थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। अब ऐसा एलिमेंट जो कि अनस्टेबल था और वो कन्वर्ट हुआ स्टेबल के अंदर, अनस्टेबल का पेरेंट न्यूक्लियस भी कहते हैं या पेरेंट न्यूक्लियाई भी कहते हैं, और जिसमें कन्वर्ट हुआ उसको क्या कहते हैं मेरा बेटा? डॉटर न्यूक्लियाई। किसे कहते हैं मेरा बेटा? डॉटर न्यूक्लियाई। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चे? अब इन जनरल इस पेरेंट न्यूक्लियाई या इस एलिमेंट की एक जनरल इक्वेशन लिखनी हो। अच्छा, अगर छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे यह पूछूं कि एक नहीं बल्कि 2 अल्फा पार्टिकल बन रहे हैं, एक नहीं बल्कि कितने बन रहे हैं? 2 अल्फा पार्टिकल, मतलब 2 दफा हीलियम न्यूक्लियस बन रहे हैं। इट मींस कि इसमें 2 के मल्टीपल का डिफरेंस आएगा, 2 × 2 = 4, इसमें से 4 की कमी आ जाएगी और इसमें से 8। ये तो बात क्लियर होगी मेरे बेटे। अब मेरी जान इन जनरल इक्वेशन लिखूं, मैं कोई भी एलिमेंट एक्स कह देता हूं, इस एलिमेंट में यहां पे क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास नंबर, और यहां पे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। जब ये अल्फा पार्टिकल देगा, यहां पे अल्फा पार्टिकल लिख लेता हूं या हीलियम लिख लूं, बात तो एक ही है, तो वाई के अंदर क्या चेंज आएगा? ए -4 और जी -2। क्लियर होगी बच्चे ये बात?
अब एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो रहा है, ये बात तो प्रूव होगी कि अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से बन रही है। क्लियर होगी बच्चे? अब किसकी बात करते हैं? बीटा। अब मेरे बच्चे इससे पहले बीटा पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी देते हैं, और ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से निकलते ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मेरे बच्चे आपके पास ऐसा क्यों होता है कि बीटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं होता बल्कि क्रिएट हो जाता है? एग्जिस्ट नहीं होता न्यूक्लियस में बल्कि क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। अब वो क्रिएट कैसे होता है मेरे बेटा? हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनके अंदर क्या मौजूद होती है मेरा बेटा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। दो तरह का प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना, आपने कभी सुना भी नहीं होगा इस चीज को, और एक मेरा बेटा क्या होता है? प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना। न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना या फिर प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना। अब ये कैसे होता है मेरा बेटे? जब एक एलिमेंट न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में क्रिएट होता है या बदलता है तो वो एक बीटा पार्टिकल क्या देता है मेरा बेटा? एक बीटा पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है विद नेगेटिव चार्ज, विद नेगेटिव चार्ज प्लस न्यूट्रॉनों लिखा होता है। वो केमिस्ट्री में ये चीज लिखी होती है, फिजिक्स में कोई नहीं लिखी होती, जो एंड में न्यूट्रॉनों की बात करते हैं, एंटी पार्टिकल की बात करते हैं। उसके बाद अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो तो आपके पास फिर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन विद पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल ये पैदा होता है लोगों का भाई कि जनाब आप जब बीटा पार्टिकल की बात करते हैं आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। इट मींस कि अगर मैं बात करूं तो हम लोग जिस फिनोमेना की बात करते हैं वो क्या होता है? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना। अब प्रोटॉन क्या होते हैं? अटोमिक नंबर, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है? अटोमिक मास नंबर। अब कोई एक एलिमेंट की बात करता हूं मेरे बच्चे, अब सबके सामने एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जैसे जिसका एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास नंबर 146 है, मतलब हम न्यूट्रॉन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्रोटॉन के अंदर। किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्रोटॉन के अंदर। न्यूट्रॉन का मतलब या प्रोटॉन का मतलब क्या है? तादाद कम होती है। तादाद क्या होती है मेरा बेटा? कम। हम ये बड़ी तादाद से कोई छोटी चीजें निकालते हैं, ठीक है? मैं फिर दोबारा बताता हूं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर को शो करते हैं एक एलिमेंट के अंदर, 146 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है मेरा बेटा? प्रोटॉन्स की तादाद, सॉरी इनके न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, तादाद कम किसकी है? प्रोटॉन की। तो इसलिए जो नेचुरल फिनोमेना ये डिके होता है उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है? प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है? प्रोटॉन में। ज्यादा से कम की तरफ आ रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि बीटा डिके का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, क्योंकि उसकी तादाद क्या होती है? ज्यादा, और इसकी तादाद क्या होती है? कम। अब जरा देखिएगा मेरा बेटा, कोई अब देखो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, अब एग्जांपल देता हूं मैं। ये एक क्लोज शेप है, ठीक है? इस क्लोज शेप में ये ग्राउंड है आपका क्रिकेट का या फुटबॉल का, इसमें टोटल 12 प्लेयर्स हैं। टोटल कितने प्लेयर हैं? 12। टीम ए टीम बी, एक के पास है 8 और एक के पास है 4, ठीक हो गया मेरे भाई? अगर ये आपस में नंबर ऑफ प्लेयर्स एक्सचेंज करते हैं तो टोटल में कोई फर्क पड़ेगा? यहां पे भी यही होगा। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा, टोटल विल रिमेन सेम। तो लेकिन क्या क्रिएट हो रहा है हमारे पास यहां पे? बीटा पार्टिकल। अगेन मेरे बेटे, जब आपके पास न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन में, तो उसके एटॉमिक नंबर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये बात कैसे कह दी और कैसे नहीं कह दी जरा देखना। मेरे पास कोई एलिमेंट है जैसे कि थोरियम की बात कर लेते हैं, पीएच पढ़ा था अभी 90 और यहां पे क्या आ रहा है ऊपर 234। जब मेरा बेटा ये बीटा पार्टिकल, अब आप इस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस को किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो? प्रोटॉन में। मतलब आपके पास एक बीटा पार्टिकल जब आएगा तो यहां पे जो भी एलिमेंट बनेगा
उसके एटॉमिक मैस नंबर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन मेरा बेटा बता, मैं कह टोटल प्लेयर विल रिमेन सेम, टोटल विल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मेरे बेटे हमारे पास यहां पे जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक का इजाफा हो गया, हमने यहां से एक प्लेयर लिया और इधर लेके आई, टोटल तो फिर भी क्या रहा सेम, और हमारे पास यहां पे एक अलहदा चीज क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज और ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आया। ये बात समझ में आई? मैं अगेन दोबारा से इसको रिपीट करता हूं मेरा बेटा, हमारे पास बीटा पार्टिकल का बनना, जैसे कि थोरियम, उसके एटॉमिक टोटल का मैंने कहा, टोटल में टोटल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब बीटा क्रिएट होता है, पैदा होता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, तो कब बनता है, जब न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। जब एक इलेक्ट्रॉन बना तो उसमें चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, तो यहां पे हमने क्या कर दी, एक की एडिशन कर दी, ये क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें किसी किस्म का टोटल में कोई चेंज नहीं आया, और यहां पे क्या आ गया आपके पास, अब यहां से ये चीज पैदा होती है कि इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं, पहले से मौजूद नहीं था। जब क्या होता है मेरा बेटा, आपके पास एक न्यूक्लियाई किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, प्रोटॉन के अंदर, न्यूक्लियस किसमें जा रहा हो मेरा बेटा, प्रोटॉन में, न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, प्रोटॉन में, तो क्या क्रिएट होता है मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन, क्या क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बच्चे ये बात? अब सबसे आसान चीज एंड पे है गामा रेडिएशन, इसके लिए मैं पार्टिकल्स की बात नहीं करता, इसको समझना सबसे इजीएस्ट है भाई जान, इसको समझना सबसे इजीएस्ट है मेरे बेटे। अभी कुछ लोगों के जहन में ये नेगेटिव चार्ज क्यों है, जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आता है, जब एक ऐड होगा तो चार्ज क्या आएगा उसके ऊपर, नेगेटिव आएगा। क्लियर होगी ये बच्चे? एडिशन के लिए प्लस वन का साइन आ गया और चार्ज के लिए क्या आ गया, माइनस वन। अब गामा रेडिएशन क्या है, जब आपका न्यूक्लियस, जिस तरह एक एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो एक न्यूक्लियस भी किसमें हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में। इनकी क्लास है भी? ठीक है, अब उनको जाके बताओ कि 5 मिनट सर कह रहे हैं मैंने लेनी क्लास। एक्साइटिंग स्टेट में जब एक न्यूक्लियस होगा, एक्साइटिंग स्टेट बेटी घूम क्या होगा, जब एक न्यूक्लियस किसमें होता है मेरा बेटा, एक्साइटेड स्टेट में। अब जिस तरह एक एटम जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, किस फॉर्म में रिलीज करता है, लाइट की फॉर्म में, उस लाइट को हम क्या नाम देते हैं, फोटॉन्स, और उसे क्या कहा जाता है, गामा रेडिएशन। सिमिलरली जब एक हाई स्टेट या एक्साइटेड न्यूक्लियस किसमें आएगा, लोअर एक्साइटेड न्यूक्लियस में, तो एनर्जी रिलीज करेगा। सर विल टेक जस्ट ओनली 2 मिनट्स। हाई एक्साइटेड स्टेट से किसमें आया मेरा बेटा, लोअर एक्साइटेड स्टेट में, तो ये दोबारा फिर क्या करेगा मेरा बेटा, एनर्जी रिलीज करेगा, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ना एटम के एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आएगा, ना एटम के एटॉमिक मास नंबर में चेंज आएगा, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ रहा है कि वो हायर एक्साइटेड स्टेट से किसमें आ रहे हैं, लोअर एक्साइटेड स्टेट में। हम एक्साइटेशन स्टेट को डिनोट करने के लिए उस न्यूक्लियस के ऊपर स्टार लगा दें, इक्वेशन में इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, स्टार, जो किसको रिप्रेजेंट करता है कि आपका न्यूक्लियस इस वक्त किस में मौजूद है, एक्साइटेड स्टेट में। एनर्जी लेवल्स होते हैं ना आपके पास, ये तो आपने शेल्स में पढ़ा होगा। अब मेरे बच्चे एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आते हुए सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आएगा मेरा बेटा, कि वो आपके पास यहां पे एनर्जी रिलीज करेगा। लोअर एक्साइटेड स्टेट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया सादा, हाई को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्टार से, और साथ ही क्या मीट हो रही है, गामा रेडिएशंस। इनकी एनर्जी आपकी लाइट के पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा होती है, इतनी एनर्जी ज्यादा होती है कि इनकी जो वेवलेंथ है मेरा बेटा वो अप्रोक्सीमेट 10^-15 मीटर है, इजीली किसी भी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकती है। इनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि इजीली किसी भी बॉडी में क्या कर सकती है, एंटर हो सकती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि पेनिट्रेशन पावर, किसी मटेरियल में घुसने की ताकत किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ का मतलब इसके क्रस्ट रफ
के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वेव इतनी छोटी है कि बॉडी में इजिली क्या हो सकती है, एंटर हो सकती है। आपकी बुक में तीन शीट्स बनी होगी और लास्ट वाली शीट तक जो चीज पहुंच रही है वो गामा है, उससे कम एनर्जी किसकी होगी, बीटा की, और उससे सबसे कम एनर्जी किसकी है, अल्फा की। क्लियर होगी बच्चे ये बात, ये हमारा आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह कल अगेन इसके बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।